हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत सिंह, हाउ आर यू? टुडे वी शैल लर्न अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, तो मेरे पास एक बहुत ही मैजिकल और इजी ट्रिक है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूल सकते, ठीक है? किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सपोज ये है कोई नंबर लाइन, ठीक है? हमें पता है बीच में यहाँ पर जीरो होता है, क्लियर? यहाँ पर वन टू थ्री, इधर कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम नहीं करना है। जीरो से हम क्या करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, और इधर जीरो से इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं काउंटिंग लिखते हुए, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी कभी भी। तो यहां लिखेंगे माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक है? पहली मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं, मैं सब कॉपी चेक करता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है, तो वो इसलिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जीरो से इधर वन टू थ्री और इधर माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक? इतना समझ में आया। अब आते हैं नंबर्स। तो नंबर टू टाइप के होंगे, या तो प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या फर्क होता है भाई, पता है? चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। जो नंबर का डिनोमिनेटर नीचे बड़ा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? या तो नीचे बड़ा होगा या फिर ऊपर बड़ा होगा, दो ही कंडीशंस हो सकती है। नेगेटिव में भी वही होगा, या नीचे बड़ा होगा या फिर ऊपर बड़ा होगा। तो चारों तरह का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो आपको समझने में ईजी होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक, यानी नीचे बड़ा होता है, वो हमेशा जीरो और वन के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? जीरो और वन के बीच में। जैसे थ्री अपॉन फोर है, प्लस का है माइनस का है? प्लस का है। तो ये प्लस का जीरो और वन के बीच में आना है, इसको कहाँ आना है? प्लस के जीरो और वन के बीच में आना है। अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर इसका कितना है, कितना है? फोर। तो जीरो और वन के बीच में फोर पार्ट करेंगे, कैसे? यहां से तो नहीं गिनेंगे, जीरो वाला नहीं गिनते, जीरो से आगे गिनते हैं, वन टू थ्री और ये वन वाला नंबर, ये फोर। फिर देखो जीरो को छोड़ के गिनते हैं, पहला नंबर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री होता है और ये फोर होता है। समझ गए ना, जहां पे वन आ रहा है वो फोर होगा, क्लियर? ठीक। अब यहां न्यूमरेटर कितना है? थ्री। तो यहां से गिनो, वन टू थ्री, यहां पर आया यहां पर, तो एरो लगा दो और यहां पर लिख दो थ्री अपॉन फोर, हो गया रिप्रेजेंट। वेरी सिंपल है ना। इसी तरह से चलिए माइनस का नंबर ले लेते हैं, ये वाला माइनस का फोर अपॉन फाइव। अब यहां ये माइनस का है तो कहां आएगा? जीरो और माइनस वन के बीच में आएगा, आना इसको जीरो वन के बीच में ही। माइनस वाला है तो माइनस साइड में आएगा, प्लस वाला है तो पॉजिटिव साइड में आएगा, ठीक? तो ये नंबर आएगा जीरो और माइनस वन के बीच में, अपॉन में फाइव है तो जीरो और माइनस वन के बीच में फाइव इक्वल पीस करेंगे, कितने? फाइव इक्वल पीस करेंगे, कैसे? देखो वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव हम यही लेंगे जो होता है माइनस वन वाला, जीरो छोड़ देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हमें लेना कितना है? ऊपर फोर लिखा तो फोर ले लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से इधर गिनते हैं वन टू थ्री फोर और यहाँ दिखा दिया फोर अपॉन फाइव, तो गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर सीधा सीधा चले जाते हैं। देखो यहाँ से इधर काउंट कर रहे हैं तो हम हमेशा इधर से इधर ही काउंट करते हुए चलेंगे। ये हो गया वन टू थ्री और फोर, यहाँ पर आ रहा जाके आपका फोर अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव माइनस का साइन है तो लगा देंगे, ठीक? तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जीरो वन के बीच में आएगा, नीचे जितना नंबर है उतने पीस कर देंगे, ऊपर वाला हम ले लेंगे, ठीक है ना? अब बात करते हैं अगर कोई नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो सबसे पहले इसको हम
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, ज्यादा हो गया ना, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना बचा? 2 बचा है यहाँ पर, 2 लिखेंगे ऊपर और 5 नीचे। ये स्टेप समझ में आई? 5 बन जा 5 और 2 7 अपॉन 5, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना होल नंबर आया? 1 होल नंबर आया, तो ये नंबर 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा। पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, 1 के बाद और 2 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में आया। जितना होल नंबर होता है उसके आगे आता है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में आएगा, कितने पीस करेंगे? 5, 1 2 3 4, और ये वाला 5, ये नहीं गिनेंगे, 1 वाला नहीं गिनेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, और ये वाला 5। हमें लेना कितना है? इसके ऊपर कितना आया? ये न्यूमरेटर 2 आया, तो यहां से गिन लीजिए 1 और ये 2, ठीक है। तो इसको दिखा देंगे 7/5, यही तो था, क्लियर, गॉट इट, है ना इजी। चलिए एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ये कितना होगा जाके बताओ? 4 2 8, 1 बचा, 1 ऊपर आ गया और अपॉन में 4, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा ये नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम -2 होल नंबर 1/4 लिख सकते हैं। ये नंबर कहाँ आएगा? होल नंबर कितना है? -2, तो -2 के बाद आना है इसको, कहाँ आना है? -2 के बाद आना है। तो -2 के बाद क्या आता है? -3 आता है, तो -2 और -3 के बीच में आएगा ये नंबर, यहाँ कहीं पर आया जाएगा, क्लियर, ठीक है। कहाँ? चलिए देखते हैं, अपॉन में 4 है तो 4 पीस करेंगे एक कॉलेज के, 1 2 3 और ये 4, 2 वाले को नहीं गिनेंगे, इसका ऐसे शुरू करेंगे 1 2 3, 3 वाला नंबर होगा 4 में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 2 के बाद पहला नंबर, यही तो 1 हुआ है ना, ये 1 हुआ, तो इसको लिख लेंगे -9/4, समझ में आया? कोई दिक्कत है ना इजी, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। अब कहीं कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।